तो चलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई वी आर स्टडीज थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। ठीक, तो हम ये सब जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं, कई सारी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये जो सारी ब्रेटोन साइकिल, कई सारी जो साइकिल है थर्मोडायनेमिक साइकिल, वो हम मतलब क्यों यूज़ करते हैं, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसका यूज़ कहाँ पे होता है, रियल में उसका यूज़ कहाँ पे। हम पढ़ते तो है, ठीक है, ऑटो साइकिल पढ़ते हैं, उसकी एफिशिएंसी ढूंढते हैं, डीजल साइकिल, ब्रेटोन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये सारा हमें पता तो होता है, लेकिन इसका रियल यूज़ कहाँ पे होता है, उसको किस पर्पज़ के लिए बना गया है, वो हमें जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये पूरी बड़ी बड़ी जो पावर प्लांट होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, इसके अंदर इसका यूज़ होता है। ये जो साइकिल होती है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें से हमें कुछ वर्क डन मिलता है, कुछ मतलब कुछ हमें पावर मिलता है। तो इसीलिए ये सारी साइकिल, हर एक कंपोनेंट उसमें लगा के साइकिल, मतलब उसकी साइकिल पूरी करके हमें कुछ वर्क डन मिलता है, इसीलिए ये सारी साइकिल को हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल हर एक साइकिल में बॉयलर है। बॉयलर ना हो तो कंबक्शन चैम्बर होता है, क्योंकि हीट सप्लाई करने का कुछ ना कुछ साधन तो होता ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं बॉयलर। ठीक है, अभी ये बॉयलर क्या काम करता है, जो बॉयलर होता है ना, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वाटर को स्टीम में पूरा कन्वर्ट कर देता है। अभी ये जो, उसके लिए हमें इसके अंदर कुछ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्यूएस, उसको कुछ हीट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो वाटर होगा वो पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये जो स्टीम यहाँ से हमें मिली, ये स्टीम जाएगी टर्बाइन के अंदर। अभी टर्बाइन है, अभी हम टरबाइन से मतलब ऐसा सोचते हैं कि जो वाटर का टरबाइन आता है, उसमें क्या होता है, जो वाटर उसके मतलब हाई लेवल से लो लेवल तक गिरता है, तो वो जो ब्लेड ब्लेड घूमती है टरबाइन के अंदर, हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सेम वही तरह से ये जो होता है वो स्टीम टरबाइन होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से जो स्टीम जाएगी उसकी वजह से इसकी जो ब्लेड होगी वो ब्लेड घूमेंगे और हमें कुछ यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, वर्क डन यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा, और ये जो स्टीम है वहाँ से ये वर्क डन कर लेने के बाद यहाँ से वो निकल जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, हमें वर्क डन मिल गया, हमारा पर्पस क्या था, हमें कुछ वर्क डन चाहिए, तो हमें वर्क डन मिल गया, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे हमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मतलब उसकी एफिशिएंसी नहीं हुई, क्योंकि बार बार यहाँ पे वाटर सप्लाई करेंगे, इसका स्टीम हो जाएगा, स्टीम चली जाएगी, उसीलिए हमें एक कंडेंसर रखना पड़ा। कंडेंसर का काम ऐसा होता है, वो जो स्टीम होती है, स्टीम को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसीलिए यहाँ से जो स्टीम आएगी ये टरबाइन से, तो उसके यहाँ एक हमने कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया। भी कंडेंसर क्या करेगा, ये जो स्टीम थी, स्टीम का इसमें कन्वर्ट कर देगा वाटर में, तो फिर हो गया ना, ये फिर से ये वाटर हम यहाँ सप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं रखते तो क्या होता, हमें बार बार इसमें वाटर सप्लाई करना पड़ता, हीट सप्लाई करना पड़ता, और फिर वो वर्क डन होता और वो स्टीम चली जाती। तो यहाँ पे हमने कंडेंसर रखा है, इसलिए कंडेंसर इस स्टीम का वाटर में कन्वर्जन। अभी अलग अलग साइकिल पे से, अभी यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसको हम पंप के द्वारा बॉयलर तक पहुँचा देंगे। ठीक, अभी ये जो सारे एलिमेंट है वो जो कॉमन है, हर एक साइकिल की अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट बदलाते रहते हैं। ठीक है, वो बदलते रहते हैं, और हर एक यहाँ पे कभी कभी कंप्रेसर भी आ जाता है, और अलग अलग ये जो होते हैं ना, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें वर्क डन मिलता है, और ये जो एलिमेंट है वो हर एक साइकिल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यही पर्पस होता है मेन, कि ये जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो कुछ वर्क डन हमें लेने के लिए ये सब यूज़ करते हैं,
और हर एक साइकिल के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ नया एडिशन होता रहता है। ठीक है, अभी ये जो साइकिल है, ठीक है, अभी इसका नया एडिशन क्यों आता है, कि उसकी ये जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ हम ऐसा करें कि जो हमें ये हीट सप्लाई देना पड़े वो कम हो जाए, या फिर मतलब हीट सप्लाई तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे हमें ये जो वर्क डन ज़्यादा मिले और इसमें से जो कंज्यूम हो रहा है वो कम कंज्यूम हुए, इसकी एफिशिएंसी बढ़े, ऐसे ऐसे चेंजेस हर एक साइकिल में करते रहते हैं। इसीलिए ये जो सारी साइकिल है अकॉर्डिंग टू एडिशन सारी साइकिलें हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करने का। अभी हम अगले वीडियो में ये जो सारी साइकिल के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।